आज जो हमारी गेस्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती है प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वॉम वेलकम टू द वन एंड ओनली अलीना राइस बैठिए

ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच लाइक इवन यू डोंट नो योर सेफ डट यू हैज चेंज मतलब सर यही मेरा यही क्वेश्चन है ऐसे फ्रिवेंटली <laughs> <frequently> बोलते हुए <है. laughs> <laughs> आप किसी भी भाषा में बोलो मैं समझ गया आपके दिल में क्या है सर ये आर माई इंस्पिरेशन है एक्चुअली एंड मैम माय क्वेश्चन इज दिसक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन वेल स्पीकिंग इंग्लिश लाइक अभी मेरे साथ जो हो रहा है

If you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you, you know, raised your hand and you said, I wanna speak on the mic. It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. The millions of people who are gonna watch you after this day, right? It took guts, and those are the guts that are gonna make you reach there, where you're gonna be super fluent with your English. Getting my point? थिंग दिस इज़ इट कोई वो नहीं है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है शुरुआत में मुझे भी महसूस होता था क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बड़ उड़ाया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मुझे कोई शर्म नहीं आती उस बात में उसके बारे में सोच के टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे अरे कहाँ से आ गई ये वैसा वाला आई थिंक इट्स रॉन्ग डोंट डू दिस टू अदर्स और दूसरी बात ये अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा गलती करो खुद पे ही हंस लो <laughs> <इत्वें था। laughs> सर इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं लाइक like, इतने सारे लोगों के साथ आई एम टॉकिंग लाइक सर मैं लिटरली मैं स्कूल में भी ऐसे मैंने आज तक न्यूज तक नहीं बोली है लाइक like, जो असेंबली में बोलते हैं ना

उसके टुकड़े बना देते हो ये रही वो कैबलरी इसको मैं कल करता हूं ये रही ग्रामर इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा ये रही कुछ और ये कुछ और ये कंस्ट्रक्शन है ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है देखो हम इस पर बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली सोल्यूशन है सिंपल इंग्लिश बोलो टूटी फूटी जैसी भी आती है बस बोलना है ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच अगर उसका ऑपरेशन करोगे चलो ग्रामर सीखने में मेहनत करूंगा आज मैं एक्सरसाइजेस करूंगा ग्रामर की ऐसे नहीं करना है आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो हिंदी के टुकड़ों में सीखी थी आज मम्मी छोटी ही की मात्रा सिखाएगी कल पापा मेरे को बड़ी ही की मात्रा सिखाने वाले ऐसे थोड़े होता है नहीं होता ना ऐसे right. है ना आप टॉप डाउन देखो ना प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं सल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो जितनी आती है उससे करो ग्रामर वो कैबलरी सब बनते 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 बन जाता है एक्सेंट की जहाँ तक बात है एह, कुछ नहीं होता एक्सेंट एक्सेंट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है एक्सेंट क्या होता है एक्सेंट कोई क्यों बनना है हमें ब्रिटिश हमें क्यों अमेरिकन बनना है हम इंडियन काफ़ी हैं यार हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियंस हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे मुझे कॉमेंट्स आते हैं ऐसे मैम एवरी थिंग इज गुड अबाउट यू यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर एक्सेंट अलरेडीड इन इंग्लिश लैंग्वेज आप ये कह रहे हो ना कि आपको इंटरव्यू में बेटर करने के लिए क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है आई नो थोड़ा घिसा पिटा हो गया बट यही है यार मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है मैं दूंगी ये वाली खा लो हो जाएगा नहीं आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के सात आठ दस दिन तकलीफ होगी क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ होती है तकलीफ होगी ग्यारहवें बारहवें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना आराम अपने आप इट विल सीप इन यू ंस यू नो हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम इट गेट्स इजियर फॉर यू एंड जितना डिस्कंफर्ट डे वन पे होता है डे इलेवन डे ट्वेल्व पे उतना नहीं होता है बट या इट्स अ लॉन्ग फाइट सालो लगते हैं ये जो अंग्रेजी कोर्सेज होते हैं ना चालीस दिन में अंग्रेजी सीखो नहीं सीख सकते थोड़ा बहुत सीख भी लोगे बट आपको अपने मुंह से डिलीवर करने में परफेक्टली सालो लगेंगे तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है जहां पर जाकर के आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है हुँ. आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर के ऐसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं हाँ. तो अगर वो वाले आप मॉक इंटरव्यूज देखते हो और क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नजर आता है कि ये पांच दस क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो हुँ. आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है हाँ. तो याद कर लो सर एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट मॉक इंटरव्यूज की वाकई में वेबसाइट्स हैं तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार 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 लिख करके पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ याद ही हो जाए रट जाए जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है प्लीज गे नीज नीज गे ये मैंने घर धर अब ये, ये।, ये। दर -दर 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 -दर. क्या है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी घोषणा है रट गया है ना सर मैं तो क्या कह रहा हूँ सर इस पे मैं ही? एक छोटी हाँ. सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो आपने जहाँ से सवाल की शुरुआत की थी कि मेरी वो कैबलरी हो गई है मेरा ग्रामर हो गया मैं आपको सिर्फ़ एक एडवाइस दूँगी यहाँ पे सिंपल बोलने की कोशिश करना एम क्या है इंटरव्यू क्लियर करना है ना या अंग्रेज़ी अच्छी बोलना है दैट्स नॉट योर एम वो एक मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का एम है इंटरव्यू क्लियर करना राइट right? आप सिंपल अंग्रेजी बोलने पे फोकस करो जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ आराम आराम से बोलो भागने की जरूरत नहीं है तसल्ली से बोलना कोई सवाल आगे से आए दो सेकंड का पॉज लो पॉज लेके आराम से स्माइल करो वर्ड एवर योर आंसरिंग ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्माइल वहां पर आधा बैटल वन हो जाता है समझ रहे हो स्टार्ट विद अ स्माइल टेक टू सेकेंड पॉज जहाँ पे भी लगे योर रनिंग शॉर्ट ऑन योर थाट्स बोल दो सर कैन आई टेक टू सेकेंड्स बोल दो पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊं मैं फ्लम फंबल करूं ऐसे करने लगूं सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना मेरे एक सर थे उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो राइट और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना तो ऑडियंस साथ में कांपती है वो डरती है कि कहीं आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो ये याद रखना मेरी बात हेलो सर हेलो मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माई क्वेश्चन इज दैट कि आई एम गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश बट माई एक्सेंट इज नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ दैट माई स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट सो बैड इट इज लाइक डम Mm. And my life is going in a corporate life and uh, all thing I want to do is in a corporate life. Mm. So, how can I uh, improve my accent? Because before it was zero. Now it is zero. By accent, do you mean the style of speaking? What yes, do you mean by accent? Because एक्सेंट का तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका इंडियन एक्सेंट है वही maintain करना है। थिंक yes, mm -hmm. so yes. ah, okay, okay. वैसे देखो अगर आप सीखने की भी कोशिश करोगे लेट से आप YouTube के सैकड़ों देखते हो, आप रिटेन नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होता रिटेन नहीं कर पाओगे है ना होता क्या मैं बताती हूँ एक छन्ने की तरह होता है आप उसमें इतना ढेर सारा डालोगे छन्ने में इतना सा बचता है है ना चाय की पत्ती का इतना बड़ा आप पूरा टम्बलर उसमें पोर कर दो तो इतनी सी पत्ती बचती है एक्चुअली लर्निंग का भी यही होता है आप इतना अंदर दिमाग के डालोगे इतना सा ही बचेगा बट उसी के लिए हमें ट्राई करना है इसलिए अपने बेस को बढ़ाते रहो ठीक है अभी आपने इतना डाला तो इतना बचा आपने इतना और डाला अपने दिमाग में इतना और बचेगा ये धीमे धीमे याद रखना देखो अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना है तुम नहीं कर सकते यार कितनी भसड़ होगी जिंदगी में है ना कुछ रिलेशनशिप का कुछ फैमिली का कुछ करियर का कुछ पढ़ाई का पैसों का सैकड़ों चीजें होंगी क्या पूरा दिमाग तुम्हारा इंग्लिश पे लगा हुआ है नहीं ना तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि अरे यार मैं इतनी मुश्किल से तो जीरो को जीरो कर पाई हूँ आगे क्या होगा मेरा आगे कैसे मैं इसको इसको ठीक करूँ उसको ठीक करूँ मत बनाओ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा स्मार्ट है आप जितना ज्यादा इसे एक्सपोज करोगे जितना ज्यादा लर्निंग से लर्निंग है ना लर्निंग इज द की वर्ड है जितना ज्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे आप सीखते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम आप डम्ब नहीं बोलोगे आप डम बोलोगे क्योंकि बी साइलेंट है <laughs> समझ रहे हो <laughs> ये मेरे लिए नई बात है आप कह रहे हो होम्ब नहीं होता है होता है सर ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जैसे थंब नहीं होता है जैसे तो 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 समझ, सर... <laughs> समझ नहीं आता अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों अब है ना गलती हम हैं हम हम तो बोलेंगे सर जैसे प्लंबर, प्लंबर सब लोग प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में बढ़िया है यार क्या दिक्कत है बी साइलेंट तो है प्लम्बर होता है प्लम्बर होता है प्लम्बर <laughs> <प्लंबर होता है। laughs> मर गया है मतलब तो भाई ये तो मेरे सारे फंडे सर बहुत लोचे हैं बहुत लोचे हैं सर लग रहा, बहुत लोचे बहुत लोचे वही मैं हाँ। कह रही हूँ इन चीजों पे इतना फोकस मत करो और सबसे अच्छी बात है मैटर अगर देखो हाँ। अगर सारे प्लम्बर बोल रहे हैं आपने प्लम्बर बोल भी दिया तभी प्लम्बर आ जाएगा कर <laughs> आप फोन को बोलोगे तो वो सामने से गाली निकालेगा अभी क्या चाहिए गाली कैसे सर उसको खुद ही नहीं पता कि बी साइलेंट है आप हाँ। उसको प्लमर प्लमर बोलोगे शायद उसको अजीब लगे मैडम फालतू क्या एक्सेंट मारी बाकी देखो द थिंग इज दैट यू आर एंटरिंग द कॉर्पोरेट यू टोल्ड मी मैम अरे इट इज गोइंग टू बी डन देयर डोंट वरी आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे आप ऑफिस जाओगे आप बहुत सीखोगे वहां पे सबसे अच्छा तरीका है पता एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या होती है हमें ये लगता है कि हमारे साथ में जो बाकी के लोग हैं ना वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं या वो पता नहीं कहाँ से आए हैं वो भी वहीं से आए हैं जहाँ से आप आए हो वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी, किसी बैकग्राउंड से आए हैं उनकी भी वही स्ट्रगल है वही प्रॉब्लम है जो आपकी है हाँ हो सकता है वहां पे किसी आप कॉपरेट में जाओ वहां पर सौ में से दस लोग हो जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो बोलने में अपने आप को प्रेजेंट करने में बाकी नाइनटी परसेंट लोग हैं वो ऐसे ही होंगे आपके जैसे मेरे जैसे इनके जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनको सर, और के बीच में फर्क पता है <laughs> ने ने को और आप सिखाइए कुछ जरा मतलब और ऐसी कुछ बातें कुछ मतलब हम सबके लिए कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम तो यही तो सर है। नहीं होता ये मजे की बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि ये अमेरिकन या ब्रिटिश है एक मिनट अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला नहीं होता तो क्या होता है कैल्शियम कैल्सियम yeah. होता है Calcium, is, sir, अगर ये या ब्रिटिश में होता, तो भी मैं कहती छोड़ो, ये में भी है आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करोगे दैट ऑल्सो सेल्सियम पोटेशियम मैग्नीशियम तो हम ये कैल्शियम कहाँ से बोलते आए हैं ये कहा से आया सर दादा ओरिजिनेशन कहाँ से है सर ये ऐसे चला आ रहा, रहा है और थिंग इज पता है अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं दूसरा समझ रहा है तो बस बात खत्म क्या जरूरत है ठीक है ये तो अफवाह हो गई एक तरीके से मतलब ये <laughs> नहीं है हाँ, कि कि मतलब कहाँ से ही शुरू हुई है कहना ही बड़ा मुश्किल है सर तो. हमारे लिए भी वियर्ड है बट हमें वीडियोस बनाने में पता चल जाता है ना नॉलेज मिल जाती है और फिर हम आगे सिखा देते हैं फिर वो मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं उससे मजा आता है अच्छा एक बात बताइए कैल्शियम से मेरे माइंड में आ रहा है वाइटमिन तो वाइटमिन होता है विटामिन होता है आई थिंक इट्स वाइटमिन या इट इज वाइटमिन या इट्स वाइटमिन मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे है सर सर सर, सर, सर कहीं ना कहीं नहीं बहुत कमेंट लिखेगी <laughs> अरे मैडम छोड़ो क्या बोल रहे हो विटामिन विटामिन <laughs> नहीं सर सर मैं भी सर, मुझे बहुत चीजें नहीं पता है आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड एवरी वन ऑफ शुड बी वेरी हम्बल राइट दैट देर आर ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट नो और मजे की बात हा? पता है क्या है पता करने की जरूरत भी नहीं है नहीं अपना है, इतना जब तक की बात समझ आ रही है ना आपस में तब तक ठीक है आई थिंक सो सर वो वीडियो अच्छा <laughs> <और क्या? laughs> नहीं आपको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना मतलब कॉमेंट्स भी आते हैं अरे आई अंग्रेज की औला हमें सिखाएंगे कुछ तो बनाएंगे ना यार हमारा काम है वो हमारा काम है एंड रियली पीपल लाइक इट नहीं अपनी तरफ से तो अच्छा काम ही कर रहे हो मतलब अगर कोई सीख जाए तो अच्छा है लेकिन मेरे ऐसा अगर कोई नई सीखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर आई हम तो कैल्शियम ही बोले विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज आई सी थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच थैंक यू